बच्चों, हम अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में हमने आपको बताया है। उसी में से हम ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आप लोग को कॉपी में नोट करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लोह और अलोह खनिज क्या है। दूसरा है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, मतलब ये दोनों में हमें क्या करनी है, अंतर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोह और अलोह खनिज पे होते हैं जो लोहे का अंश अधिक होता है। लोह खनिज कहलाते हैं जिसमें अयस्क, मैग्नीज और निकल, कोबाल्ट आदि होते हैं। अलोह खनिज कौन से कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये अलोह खनिज कहलाते हैं। अब परंपरागत और गैर परंपरागत आप लोगों को मैं एक बार बता चुकी हूँ। जैसे कि परंपरागत साधन के अंदर ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु शक्ति आते हैं। और साधनों को नवीकरण नहीं किया जाता है, ये स्रोत लगातार प्रयोग समाप्त होने के कगार पर रहते हैं। और गैर परंपरागत साधन कहते हैं सूर्य, वायु, ज्वार भाटे, ज्योतिमंडल, बायोगैस, खेतों में पशुओं, कूड़ा करकट, मनुष्य के मलमूत्र आदि से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गैर परंपरागत साधन कहते हैं। इनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। फिर है खनिज क्या है, ये भी हमने आपको बता चुके हैं। खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। और भूवैज्ञानिक अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान संभूत तत्व है जिसे एक निश्चित आंतरिक संरचना और खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में ये पाए जाते हैं। कठोर ठोस और नरम चूना तक शामिल है। फिर भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में कोयले का वितरण कैसे, पीठ में जो कम कार्बन या नमी अधिक मात्रा में पाई जाती है, लिग्नाइट या निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, बिटुमिन्स ये गहराई में दबे हुए होते हैं, अधिक तापमान में प्रभावित कोयले को बिटुमिन्स कोयला कहा जाता है, ब्रेंथ्रेसाइट ये सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होती है, ठोस, काला व कठोर होता है। फिर कोयले में भारत की विस्तृत भंडार है जिसमें कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युग शैल के क्रम में पाया जाता है जिसमें 200 वर्ष लाख से कुछ अधिक समय, जिसमें दूसरा ट्यूटरी निक्षेप में लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं, जिसमें गोंडवाना कोयले जो धातु शोधक कोयले हैं, और फिर संसाधन जो कुछ दमोदर घाटी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो आदि में स्थित है। इस तरह से बहुत सारे जहाँ पर गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है, अब यहाँ पर हम देखेंगे। भारत में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं जहाँ सौर ऊर्जा दोहन असीम संभावनाएं होती हैं। भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा धूप को सीधे विद्युत परिवर्तित किया जा सकता है। भारत में सबसे सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में स्थित है। सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बड़े बर्तन में कीटाणु मुक्त भी किया जाता है। सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक द्वारा मुक्त उपहार है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जहाँ बार बार प्रयोग के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन, इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे सौर ऊर्जा के प्रयोग से घरों में उपलों और लकड़ी पर निर्भरता भी कम हुआ है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलता है। फिर सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, खाना बनाने में, पंप द्वारा जल निकालने में, पानी को गर्म करने में, दूध को कीटाणु रहित रखने में, सड़कों पर रोशनी करने आदि के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर आग्नेय और कायांत्रिक चट्टानें, खनिजों का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय व कायांत्रिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, रंसों और विभ्रमों मिलते हैं जैसे छोटे जमाव श्रेयाओं के रूप में किए जाते हैं। हम खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने आपको बता चुके हैं। खनिज को हम कम से कम उपयोग करें, जितना हमें आवश्यकता है उतना ही खनिज का उपयोग करें तो हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं धीमी हो गई हैं जिससे उपयोग की दर की तुलना में इसका पुनर्भरण की दर अत्यधिक रूप से थोड़ी और खनिज के अनिवीकरण योग्य है, जिसमें समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यांकन संपत्ति है लेकिन वह अल्पजीवी है, जिसमें अयस्कों के सतत उत्खनन में गहराई बढ़ने से उसकी गुणवत्ता भी घटती जाती है, जिससे खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए खनिजों का सुनिश्चित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना होगा, तभी हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, नहीं तो भविष्य में हम खनिजों की जो है कमी हमें महसूस होने लगेगी।